अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का विश्वास खो चुके हैं। मोहन प्रकाश आज सीकर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने राजधानी दिल्ली में पिछले 27 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि राजहट छोड़कर तत्काल प्रभाव से कृषि सुधार के नाम पर लागू किए गए काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानूनों में संशोधन करने के बयान को अस्वीकार करते हुए कहा कि मोदी की कथनी और करनी में काफी अंतर है, इसलिए उन पर देश की जनता अब और ज्यादा दिनों तक विश्वास नहीं कर सकती। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था और GST लागू कर व्यापार को चौपट कर दिया है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने कोरोना को मात्र 21 दिनों में खत्म करने का विश्वास दिलाकर ताली और थाली बजवा दी, जबकि आज इस महामारी को काबू करने में नाकाम होने से देश ठहर सा गया है। किसानों का दिल्ली में 27वां दिन है बैठने का, लाखों किसान वहां बैठे हैं और इसके पहले भी कई बार किसानों से संबंधित आंदोलन हुए हैं, लेकिन कभी भी किसी भी सरकार ने ये बर्बरता या असंवेदनशीलता नहीं दिखाई है। और आज जो संकट में देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद जो हल नहीं निकल रहा है, उसका कारण यह है कि सरकार की हठधर्मिता और विश्वास का संकट। क्योंकि ये इन्हीं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जब नोटबंदी लागू की तो कहा कि इससे गरीबों को बहुत फायदा होगा और 4 साल में गरीब और बर्बाद हुआ, बेरोजगार हुआ। इन्होंने जब GST लाए तब भी ये कहा कि इससे बहुत फायदा होगा व्यापार को और इस देश का व्यापार समाप्त होगा और जो छोटे व्यापारी थे उनकी कमर टूट रही। इसके बाद कोरोना काल में कहा इन्होंने कि हम 21 दिन में युद्ध को जीतेंगे और हमसे थाली भी बजवाई और ताली भी बजवाई और आज करोड़ से ऊपर लोग हैं जो इससे परेशान हैं। तो अब वो जब किसान के लिए कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा तो किसान को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि 3 बार मोदी जी ने जो देश को आश्वासन दिया उसके विपरीत नतीजे आए। अब प्रश्न ये जो 3 कानूनों के बारे में है, ये कानून कृषि कानून नहीं है, ये पूंजीपतियों के हाथ में इस देश की कृषि और कृषि व्यापार को गिरवी रखने का एक मोदी सरकार का फैसला है। कैसे? ये जो मंडियां तोड़ी गई हैं जिसको वो कहते हैं कि रहेगी, तो फिर रहेगी तो फिर आप कानून क्यों लाए भाई? आप रोज कह रहे हैं कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो अगर आप संशोधन करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप लाखों किसानों को वहां 27 दिन से क्यों बैठा है? आप स्थगित करिए और इसको स्क्रैप करिए और संसद बुला के किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके और एक आप नया कानून लेके आ जाइए। किस बात की जिद है? असली बात यह है कि कृषि मंत्री ने कहा है कि अगर हम इन कानून को वापस लेंगे तो कॉरपोरेट का भरोसा टूट जाएगा। यह है असली चीज इस कानून की लड़ाई का। क्यों? कि देखिए हिंदुस्तान में हर एक राज्य की अलग अलग मंडी का टैक्स है, अलग अलग कानून है, तो जो पूंजीपति है उसको खरीदने में दिक्कत है, इसलिए उसको खत्म किया जा रहा। नंबर 2 कि इन्होंने अनाज से, दाल से, तिलहन से, आलू से, प्याज, इसको आवश्यक वस्तु जो की जो लिस्ट है अधिनियम के अंतर्गत उससे बाहर कर दिया गया। नंबर 1 ध्यान रखिएगा कि जो आवश्यक वस्तु है उसको लिस्ट से बाहर कर दिया और दूसरी तरफ इन्होंने स्टॉक करने की लिमिट की छूट कर दी। यानी अब अगर आपके पास धन है तो आप कितना भी मार्केट से खरीद करके स्टॉक कर सकते हैं और
लिए इस कदम से इस देश में जमाखोरों को लूट की छूट मिल गई और इससे एक एक उपभोक्ता जो माल खरीदता है, सामान खरीदता है, वो इन पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। उनकी मर्जी से चलेगा कि आज किस चीज का भाव कितना किस भाग, और कोई भी राज्य सरकार उस पर कदम नहीं उठा पाएगी। और उसमें उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि युद्ध के समय में, और या दो तीन चीजें दी हैं कि ऐसे समय में हम दखल दे सकते हैं, लेकिन कैसे दखल देंगे, किस कानून के तहत दखल देंगे, इसका जिक्र नहीं है कानून। और उसके बाद जो तीसरा कदम है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आज भी चलती है कि जो बटाई पर देते हैं वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही तो है, लेकिन उसमें किसान आज अगले बार अगर जो बटाईदार है वो अगर अगले बार वो शर्तों को पूरा नहीं करता है तो किसान दूसरे को दे देता है खेत, कहता है खेत खाली करो। लेकिन जब आप लिखित दे देंगे तो क्या होगा फिर? और सबसे बड़ा सवाल मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस पर आप जरा जोर दीजिए, आपके अखबार में दिक्कत हो तो भी आप लिखिए कहीं ना कहीं लेख के रूप में कि आज अब जब खरीद नहीं होगी, FCI से ये सरकार कह रही है कि तुम लोन लेके खरीदो, तो जब खरीद नहीं होगी तो इस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या होगा, जो गरीबों को जो राशन मिल रहा है उसका क्या होगा, और संसद ने जो खाद्य सुरक्षा कानून पास किया है उसका क्या होगा, जो 2 रुपए और 3 रुपए अनाज मिल रहा है उसका क्या होगा। और मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि यह सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करना चाहती, एक शब्द भी नहीं कहा गया। और अब